शहीदी दिवस पर 21 से 23 मार्च तक अंबाला में होने वाले दंगल को लेकर खेल विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके बाद खेल मंत्री अनिल विज ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। इस बार का दंगल थोड़ा अलग होगा और इसमें महिला व पुरुष दोनों के अलग अलग मुकाबले होंगे और इनाम की राशि 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख होगी। इसके साथ ही इस बार दंगल में विजेता खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोचों को भी धनराशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। जो हमने हर साल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस पर कराने का निर्णय किया हुआ है, जो पिछले साल गुड़गांव में हुआ था, इस साल वो 21, 22, 23 तारीख को अंबाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में होने जा रहा है। ये अपने किस्म का सबसे बड़ा दंगल है। पिछली बार हमने केवल एक वेट का करवाया था, लेकिन सभी जो फेडरेशंस हैं, इसकी एसोसिएशंस हैं, उन सारों की मांग पर इस बार हम ये 5 वेट तो पुरुष वर्ग में करवा रहे हैं। 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg और 97+ kg, ये 5 वेट में हम करवा रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी मांग आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा बहुत जोर शोर से चला रहा है और महिलाओं का कुश्ती नहीं करा रहे, जबकि ओलंपिक में इस बार महिलाओं ने नाम रोशन किया, तो इसलिए 5 वेट महिलाओं के कराने का हमने निर्णय किया है। 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg और 69 से 75 kg वर्ग में ये हमने कराने का निर्णय किया है। हमने एक ही वेट कराया था तो फर्स्ट आने वाले को 1 करोड़ रुपया दिया था, सेकंड वाले को 50 लाख दिया था, थर्ड आने वाले को हमने 25 लाख रुपए दिया था। इस बार क्योंकि 10 वेट करा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया 10 खिलाड़ियों में बट जाएगा, इसलिए हर वेट का जो फर्स्ट आएगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे ईच, यानी 1 करोड़ रुपया देंगे 10 को। जो सेकंड आएंगे उनको 5 लाख रुपए ईच देंगे, जो थर्ड आएंगे उनको 2.5 लाख रुपए ईच देंगे और जो फोर्थ आएगा वो भी हमने कंसोलेशन प्राइज रखा है, क्योंकि लास्ट में तो जो सेमीफाइनल होता है 4 टीमें ही रह जाती हैं, तो उनको भी हमने 1 लाख रुपया ये देने का फैसला किया है।